क्या आप जानते हैं, बहुत जल्द कान्हा की नगरी यानी मथुरा पूरी तरह बदलने वाली है। जैसा आपने किताबों या फिर पुराणों में पढ़ा था, कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको कलयुग में मथुरा में देखने को मिलेगा। ये कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है, जिसे सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। तो क्या कुछ खास होने वाला है मथुरा में, ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अगर किसी काम को करने की ठान ले जाए तो फिर भगवान भी उस काम को पूरा करने के लिए आपका साथ देते हैं। सीएम योगी ने भी मुख्यमंत्री बनने के साथ ही कई तरह के ड्रीम प्रोजेक्ट अपने जहन में रखे थे, जिसे समय आने पर उन्हें पूरा करना उनका लक्ष्य था। तभी तो जब पीएम मोदी और योगी की जोड़ी मिली तो सनातन का परचम आज विदेश में भी लहरा रहा है और दुनिया सनातन धर्म के आगे नतमस्तक हो रही है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो पहले काशी विश्वनाथ की तस्वीर बदली, फिर अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया, अब मथुरा की बारी है। वही मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वही मथुरा जो कान्हा की नगरी के नाम से विश्व भर में जाना जाता है, अब उसी मथुरा को कान्हा के स्वरूप, कान्हा की पसंद और कान्हा के भाव से सजाया जाएगा। हर जगह कदंब के पेड़ दिखाई देंगे, जगह जगह श्री कृष्ण की कथाओं के सुंदर चित्र होंगे और ऐसी चीजें जो इस नगरी को और भव्य और धार्मिक बनाएगी। ये सभी बातें जितनी सुनने में अच्छी लग रही, यकीन मानिए मथुरा में बनने जा रहे एक प्रोजेक्ट के बाद ये सभी चीजें देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगने वाली है। तो चलिए अब आपको विस्तार से पूरी बात बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा का कायाकल्प करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से मथुरा में भव्य कॉरिडोर बनाने की योजना है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक में यह तय हुआ है कि अब मथुरा में भी भव्य कॉरिडोर बनेगा। इसको लेकर सीएम योगी के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है। मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई रिपोर्ट में मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट में कुछ सुधार के निर्देश दिए हैं। सुधार के बाद जल्द ही इस पूरी योजना को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। योगी सरकार की कोशिश है कि अदालत की मंजूरी मिलने के बाद इसी साल कॉरिडोर का निर्माण शुरू हो जाए। आपको बता दें, पिछले साल जन्माष्टमी के दिन भीड़ में दबने के कारण दो भक्तों की मौत हो गई थी। इसके बाद एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कॉरिडोर बनाने की योजना पेश करने को कहा, जिसकी सुनवाई 18 सितंबर को हाईकोर्ट में होगी। मथुरा में बनने वाला ये कॉरिडोर कुल 22,800 वर्ग मीटर में बनेगा, जिसमें बांके बिहारी के दर्शन में लोगों को कम समय लगेगा। वहीं भीड़ में प्रबंधन में भी लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो चलिए अब आपको इस कॉरिडोर की कुछ खासियत बताते हैं। ये कॉरिडोर मंदिर को यमुना नदी से जोड़ेगा। भक्त यमुना नदी में डुबकी लगाकर सीधे कर सकेंगे बांके बिहारी के दर्शन। मंदिर के चारों ओर बनेगा 9 मीटर का जोन, जिसमें ग्रीन बेल्ट होगी। परिक्रमा मार्ग से मंदिर मार्ग के लिए चौड़ा मार्ग का निर्माण होगा। 18,400 वर्ग मीटर खुला क्षेत्र भी होगा। मंदिर के सामने 2 मंजिला के परिसर में वेटिंग रूम बनाया जाएगा। कॉरिडोर में श्रद्धालुओं 4 और प्राचीन मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। मथुरा कॉरिडोर के लिए जो योजना बनाई गई है, अगर उसके मुताबिक काम हुआ तो वाकई में आने वाले समय में श्री बांके बिहारी मंदिर काफी भव्य होने वाला है और तो और श्रद्धालुओं को भी इस तरह की सहूलियत मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप इस कॉरिडोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, साथ ही इस कॉरिडोर में और क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे सकते हैं।